हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु शर्मा, वेलकम टू यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सेलिंग कार फिगर्स के बारे में, एज वेल एज टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अपनी गाड़ियां जो हैं बेची थी। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्लोबल पेंडेमिक को देखते हुए कई सारा नुकसान हुआ था, लेकिन सितंबर के महीने में बहुत अच्छा सेलिंग कार्स के बारे में। 10वें नंबर पे वो आई है किया सोनेट, जिसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। मात्र अपने 12 दिन के सेल्स फिगर में ही इन्होंने 9266 यूनिट जो है बेची हैं। अब आप लोग कहेंगे इसको 12 दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 18 सितंबर को गाड़ी जो है लॉन्च हुई थी, तो इसको जो है इस मंथ में केवल 12 दिन ही मिले गाड़ी बिकने के, जबकि इस गाड़ी की ऑलरेडी बुकिंग चली। अगर बुकिंग नहीं चल रही होती तो सेल्स फिगर और भी ज़्यादा इस गाड़ी के हो सकते थे। 9th नंबर पर आती है इलीट i20, Hyundai की इलीट i20, 9852 यूनिट के साथ। जैसा कि आपको पता है Hyundai i20 जो है, Elite i20 जो है वो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में जो है आती है। 8th नंबर पे आती है मारुति सुजुकी अर्टिगा, 7 सीटर MPV मल्टीपर्पज व्हीकल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये गाड़ी जो है पेट्रोल के साथ साथ CNG में भी आप सभी के लिए अवेलेबल होती है। इसने 9982 यूनिट्स जो है गाड़ी अपनी बेची है मारुति ने। 7th नंबर पे आती है Hyundai Grand i10 Nios। बात कर लेते हैं Nios के बारे में, 10373 यूनिट इन्होंने बेची और ये मिड साइज हैचबैक में आती है, मतलब इसका कंपटीशन सीधा सीधा स्विफ्ट से होता है। 6th नंबर पे आती है फिर से Hyundai की ही क्रेटा। क्रेटा आप सभी को पता है फेसलिफ्ट आ गया, इसके बाद गाड़ी का लुक चेसिस वगैरह सब अच्छा है, मतलब ऑल न्यू ही हो गई एक तरह से। चेसिस भी बदल गया है, फ्रेम बदल गया और लुक्स भी बदल गए इस गाड़ी के, 12325 यूनिट के साथ। और ये एक SUV सेगमेंट में गाड़ी आती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल होती है। अब जो बात करने वाला हूँ वो टॉप 5 रह गई हैं, और टॉप 5 में आप सभी को पता है कि सारी की सारी जो है मारुति सुजुकी की ही हैं। 5th नंबर पे आती है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जो कि 13988 यूनिट बिकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती है 1.2 लीटर के साथ में। 4th नंबर पे आपको मिलती है वैगनार, जो कि 17581 यूनिट्स के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी ने भी, और ये गाड़ी ज़्यादातर जो है कैब वाले इस समय ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 3rd नंबर पे आती है ऑल्टो, आप सभी को पता है ऑल्टो 800 एज वेल एज ऑल्टो K10 दोनों की सेल्स फिगर इसमें शामिल है, इसलिए इस गाड़ी ने जो है 18246 यूनिट जो है बेची हैं। और आप सभी को बता दूँ मारुति जो है इसकी दोनों की अल्टो 800 और ऑल्टो K10 दोनों की ही सेल्स फिगर को कंबाइन करके जो है वो आप सभी के साथ जो है शेयर करता है। 2nd पे आती है नेक्सा की, मारुति की प्रीमियम सेगमेंट से केवल एक ही गाड़ी है जो कि है नेक्सा से बलेनो। बलेनो 19433 यूनिट बिकी है, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है, मतलब इसका कंपटीशन सीधा सीधा टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस एज वेल एज Hyundai की इलीट i20 के साथ होता है, जो कि इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये भी 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ ही आती है, जो कि आपको पता है। 1st पे आती है, आप सभी को ठीक आपने सही समझा, स्विफ्ट, जो कि 22643 यूनिट जो है बिची थी गाड़ी और ये भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और आप सभी को बता दूं ये गाड़ी अब डीजल में नहीं आती है, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये एक भी काबिलियत तारीफ है, मारुति की कहें चाहे स्विफ्ट की कहें, जो इसकी गुडविल अभी तक बरकरार है। सो डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस बारे में जानने में जो है काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।